भद्रकाली टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और पितरों की पूजा करने के बाद जो पूजा थाली होती है उससे हम गाय को रोटी खिलाते हैं, जो भी भोजन हम बनाते हैं वो गाय को खिलाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमारी पूजा विधि संपन्न मानी जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो पूजा विधि संपन्न नहीं मानी जाती है, इसलिए हमें ये सब करना है। अच्छा, आज हम बताते हैं कि जैसे पितरों की जो पूजा करते हैं और उसके बाद जो गाय को रोटी खिलाते हैं उसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमें किस प्रकार रोटी खिलानी है जिससे हमारे पितर देवता खुश होते हैं। इसके लिए आज हम विचार करेंगे, इससे हमें क्या करना है कि जो पूजा विधि करने के बाद जो पूजा की थाली होती है उसको हमें गाय के पास ले जाना है और उसमें पानी का लोटा रखना है। उस पानी के लोटे को लेके हमें गाय के पैरों पे डालना है ताकि थोड़ा सा उसके पैर धुल जाए और बाद में उसको हम भोजन कराएं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी को भोजन कराते हैं तो पैर पहले धोते हैं और बाद में उसको खाना खिलाते हैं, तभी हमारी पूजा विधि संपन्न मानी जाती है। जय पितृदेवता।